नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और ऑपरेशन का नर्स हूं। अब देखो गुरु, हमें मिडिल क्लास लोग, और हमारे घर में अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो किस हद तक टूट सकती है। हम उसे तब तक फिक्स नहीं करवाते जब तक उससे हमारा कोई काम न रुक रहा हो। और टूटी हुई चीज़ को जोड़ेगा कौन? बापू, हमारे पिताजी। हमारे पिताजी फैमिली ट्रॉमा छोड़कर बाकी सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। और हमारा परिवार जो है तन मन धन तीनों तरीके से गरीब है, क्योंकि तन अब हमारा देख ही सकते किस तरीके का कुपोषित, और धन से हमारे पिताजी और हमारे परिवार कभी अमीर रहा ही नहीं। और मन से इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर पैसे आ भी जाए तो हमारा मन नहीं मानता था उसे खर्च करने के लिए। हमारा बचपन इतना ज़्यादा चूतिया भरा रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। हमारे पिताजी ने हमें कभी स्प्रिंग रोल नहीं दिलाया क्योंकि वो पूरे 100 रुपये के आते थे। हमने आज तक कभी किंडर जॉय टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो पूरे 40 रुपये के आते थे, और उस टाइम 1 किलो प्याज 20 रुपये का आता था, मतलब 1 किंडर जॉय के दाम में 2 किलो प्याज आ जाते थे। हम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक हमने कभी 5 रुपये से ज़्यादा का डेयरी मिल्क खरीद के खुद से नहीं खाया क्योंकि मन ही नहीं मानता। हाँ, कोई खरीद के खिला दे तो वो बात अलग है। और हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चुतियापे हैं कि अगर मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ कि पिताजी मुझे ट्रैवल करना है, कहीं यहाँ जाना है कहीं वहाँ जाना है, तो वो सीधे बोल देते, अरे यार तुम्हें बचपन में घुमाया तो था, वैष्णो देवी लेके गए थे, पहाड़ों में लेके गए थे, वादियों में लेके गए थे, जंगल में लेके गए थे। पिताजी उस समय मैं 3 महीने का था, उस समय मैं खुद को ढंग से नहीं पहचानता था। अगर आप बता देते कि यही आखिरी ट्रिप है तो मैं 1-2 फोटो खिंचवा लेता। खैर, जिंदगी झंडे फिर भी घुमंड है। हमने आज तक कभी नंगी आंखों से स्ट्रॉबेरी नहीं देखा है यार। कल एवोकाडो मंगवा लिया, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। हमारा तन मन धन इस तरीके का गरीब हो चुका है कि कल हमें गुस्सा आया तो मैंने अपना फ़ोन पहले ज़मीन पर रख दिया, किचन में गया, एक स्टील का गिलास उठा कर लाया और उसे जोर से पटका, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा था कि मैं इस प्यारे से महंगे से फ़ोन को तोड़ दूँ जो कि पूरे 10,000 रुपये का है। समझ लो, हमारी आधी ज़िंदगी इसको फोड़ने के बाद ही बर्बाद हो जाती। और तो और, हम जो है आज तक केवल 2 या 3 ही बार रेस्टोरेंट गए, पहला मम्मी पापा के एनिवर्सरी के टाइम, दूसरा हैप्पी न्यू ईयर के टाइम, और तीसरा मुझे याद भी नहीं, शायद बचपन में ही कभी गया हूँ। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद भी आज तक कभी 2 सब्जी से ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि पिताजी का बजट नहीं मानता था। और हमेशा वो 2 सब्जी क्या होती थी, एक दाल मखनी, एक कढ़ाई पनीर, तीसरी सब्जी आज तक मुझे कभी याद ही नहीं। खैर, जिंदगी में चुतियापे तो चलते ही रहते हैं। हमारा तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप अगर मिडिल क्लास हैं तो अपना जो अंतरात्मा उसको थोड़ा पुश करें, थोड़ा पैसे खर्च करें, लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, चुतियापों से बचें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीजिए ना।